24 क्रिएटिव न्यूज में अंजलि शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज की खबर इस प्रकार। राजस्थान में अधिकांश महिलाएं नर्सेज संख्या बल होने की वजह से राजस्थान महिला नर्सेज एवं सशक्तिकरण के लिए कार्यस्थल पर होने वाली असुविधा असहजता COVID-19 में उत्पन्न हुई महिला नर्स से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए एवं रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु एक राज्य स्तर पर महिला नर्सेज मंच की आवश्यकता महसूस करते हुए आज सर्व समिति से राजस्थान का पहला नर्सिंग संगठन राजस्थान नर्सेज वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसमें समस्त मेडिकल कॉलेज से आए प्रतिनिधि एवं प्रदेश कलेक्टर पर नर्सेज के विभिन्न सवर्ग जैसे NANNMLHB नर्सिंग ट्यूबर एवं नर्सिंग के अन्य सवर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें समस्त प्रतिनिधियों ने श्रीमती विनीता शेखावत को सर्व सम्मानित से राजस्थान वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम किया। कर्मचारियों की अपनी कुछ अलग समस्याएं आ रही हैं, जिसमें कोविड में देखें, महामारी में देखें तो कुछ स्तनपान कराने वाली हमारी नर्सेज महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमन हैं, और उनके जहां पर कार्यस्थल पर उनको बहुत सारी असहजता महसूस होती है। एक संगठन नहीं है, हमारे पुरुषों के संगठन हैं लेकिन उनमें भागीदारी महिलाओं की बहुत कम है। इसको देखते हुए हम सब ने ये फैसला लिया और ये संगठन हमारा वुमेन वेलफेयर प्लस सामाजिक कार्य भी करेगा, जिसमें पौधारोपण है, ब्लड डोनेट कैंप है, सैनिटरी पैड के वितरण है, और हम महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य करेंगे, प्लस हम हमारे रक्तदान शिविर हैं। ये सभी हम सामाजिक कार्य प्लस हम महिला एम्पावरमेंट के लिए सभी महिला नर्सेस मिलकर इस मंच पर कार्य करेंगे, और सरकार से हम हमारे एजेंडे के तहत जो भी हमारी मांगे हैं हम उनसे बात करेंगे, हम उनके लिए उनसे हमारी सुविधाएं जो हैं कार्य स्तर पर जो हमारी सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए और हमारी समस्याओं के निराकरण के लिए। ये हमारा एक मंच है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एसोसिएशन टाइप नहीं है। हमारी जो एसोसिएशन चलती आ रही हैं पुरुष और महिला की कम्बाइंड, वो हमारे मांग पत्र वो सब हम उनके साथ हैं, लेकिन ये हमारे महिलाओं का एक मात्र संगठन है जो महिला एम्पावरमेंट और वेलफेयर के लिए काम करेगी।